आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या अयोध्या की कोर्ट वापसी हो रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहा है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि मस्जिद के बदले दूसरी जगह पर दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन मंजूर नहीं है, वही जमीन चाहिए जहां पर मस्जिद बनी। तो क्या इस तरह का फैसला गलत है? क्या यह माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश है? क्या यह वक्त की बर्बादी है? क्या पर्सनल लॉ बोर्ड मामले को अटकाना चाहता है? क्या यह कदम मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार को रोकने का है? आज की बहस में अपने मेहमानों के साथ तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि आखिर कानून क्या कहता है। लेकिन उससे पहले आज दिन भर क्या चला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने अयोध्या मामले पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का ऐलान किया है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि मस्जिद के बदले दूसरी जगह पर दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन मंजूर नहीं है। हम दूसरी जमीन पाने के लिए अदालत नहीं गए थे, वही जमीन चाहिए जहाँ पर मस्जिद बनी थी। फैसला हमने कहा है, हमेशा हमारे मिनट्स में लिखा हुआ है कि जो आखिरी फैसला होगा स्वीकार होगा। रिव्यू अभी कंटिन्यूएशन उसी अपील का है, अभी आखिरी फैसला कहाँ हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो ओमेशी साहब ये सब करवा रहे हैं, ओमेशी साहब आपकी दाल बगल नहीं पाएगी। राम मंदिर वहां बनेगा और सारे मुसलमान इस निर्णय को मान लिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, जल्द ही ट्रस्ट का निर्माण होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन करना चाहिए और हमारी सरकार करेगी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। रिव्यू पिटीशन को लेकर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने सवाल उठाए हैं, बोले सिर्फ ये वक्त की बर्बादी है। देखिए ये वक्त की बर्बादी है और कुछ चेहरों को अखबारों में और इसमें फोटो छपवाने का शौक होता है। बीजेपी नेता विनय कटियार बोले, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। फिर अपील करते हैं, करना चाहते हैं कि ये लोग अब माहौल ना बिगाड़े, अयोध्या का माहौल बहुत खुशनुमा है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी इस तरह के फैसले को गलत बताया है। रिव्यू पिटीशन में जाना कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों का जो लंबे समय तक इस मुद्दे पर राजनीति करते रहे। रिव्यू पिटीशन पर वसीम रिजवी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का आपको अधिकार है, आप दाखिल कीजिए, कोर्ट सुनता है नहीं सुनता है वो कोर्ट का अधिकार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पुनर्विचार के लिए सामने लाना कानून के तहत भी है, लेकिन जब खुद मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड तक फैसले पर सहमति जता चुका है, ऐसे में क्या पर्सनल लॉ बोर्ड मामले को अटकाना चाहता है? क्या ये कदम मंदिर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार को रोकने का है, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाकई पिटीशन से डिसीजन बदलने की उम्मीद पाले बैठा है? सारे सवालों के जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज का हमारा सवाल है, क्या रिव्यू पिटीशन से फैसले पर असर पड़ेगा? फटाफट से मोबाइल उठाइए और अपनी राय ट्वीट कीजिए #, सबसे बड़ा मुद्दा @NewsStateHindi। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ महंत राजेंद्र दास जुड़ रहे हैं निर्मोही अखाड़े से।
इसके अलावा महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं, सदस्य हैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल वीएचपी के दिल्ली से। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, एडवोकेट मोहम्मद फरत रईस साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और अशोक पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जब पहले चर्चा चल रही थी कि फैसला जो भी आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो हम मान लेंगे, फिर ये बात अचानक से कुछ मुस्लिम पक्ष ये कह रहे हैं, जबकि कुछ ने किनारा कर लिया, उनमें से इकबाल अंसारी एक हैं, सुन्नी बग बोर्ड जो पक्षकार है उसने अलग कर लिया, अब कह रहे हैं हम रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे। हाँ देखिए, असल मुद्दा यह है कि रिव्यू पिटिशन का तो आपको कानूनी संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन यह है कि उसका परिणाम जो है वो किस रूप में सामने आएगा वो भी जो है वो भविष्य के जो है पेट में और अधर में है वो। और मेरे हिसाब से जो है जो लड़ाई थी वो मस्जिद की जगह को लेकर थी, जब आपको वो जगह नहीं मिली तो मेरे हिसाब से जो है वो जगह लेना और मस्जिद बनाना दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अर्थपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से। अब जो है इसको आप जो है यहाँ ख़त्म भी कर सकते हैं, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जो है जो अगर कोई रिपिटिशन में जा रहा है तो वो असंवैधानिक है या गैर कानूनी है या गलत है। नहीं कह रहे, हाँ ये कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो बात कह रहे थे इसी स्टूडियो में बैठ के चर्चा कर रहे थे जी कि नहीं बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आ जाएगा वो हम तहे दिल से स्वीकार कर लेंगे। और इकबाल अंसारी ने, उनकी तारीफ में फिर करूंगा, उन्होंने पहले दिन से फैसला आने से पहले ही उन्होंने कहा जो भी फैसला आएगा आज आ जाए कल आ जाए जब भी आ जाए, और उसके बाद से उन्होंने खुद को अलग कर लिया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। सुन्नी बग बोर्ड ने अलग कर लिया जो इस पूरे मामले में पक्षकार है, भाई ये कौन से लोग हैं जो जाना चाहते हैं, इनको क्या फायदा इससे? देखिए इस्लामी शरिया के अनुसार भी और व्यवहारिक रूप में भी जो मस्जिद जहां होती है वहां का अगर कोई बाशी है तो उसको जो है ज्यादा अधिकार होता है, जैसे कि जो है महबूब साहब हैं या हाशिम अंसारी थे या उनके पुत्र जो है इकबाल अंसारी हैं, तो इसीलिए उसी जो है हैसियत से उन्होंने जो है मुकदमा जो है वो लड़ा है वो। तो अगर आप देखें कि संवैधानिक रूप से और सरकारी हैसियत में देखें तो असल पार्टी जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उन्होंने अलग कर लिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, और जो अन्य जो है वो पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा अगर आप उनको कुछ अगर आप जो है महत्व या स्थान देना चाहें तो वो सपोर्टर या सहयोगी की ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, वो असल पार्टी के रूप में बोर्ड को भी देखना या अन्य जो है पार्टियों को देखना वो जो है वो सही नहीं है। तो ये चूंकि एक बड़ा जो है संवेदनशील और एक बड़ा मुद्दा था मंदिर मस्जिद को लेके, तो इसके जो है वो दो रास्ते हैं, या तो जो है वो आप जो है वो उसकी जगह पे जो है मस्जिद बनाएं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और ये कहा है कि ये रामलला विराजमान की जमीन है, वो जमीन उनको दे दी गई है जी। अब मस्जिद बनने का तो सवाल ही नहीं है, आप नहीं मस्जिद यहाँ दूसरी जगह जो दी गई है 5 एकड़ जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने ये कहा ना कि जिस जमीन को लेके जिस जगह को लेके विवाद था वो जगह जो है वो मस्जिद के लिए नहीं मिली है, तो मेरे हिसाब से जो है वो मस्जिद बनाना दूसरी जगह या जो है वो जमीन लेना जो है वो बहुत ज्यादा महत्व का मुद्दा नहीं है, क्योंकि मस्जिदें जो है बहुत है, बिल्कुल और जो है उसके लिए बहुत ये है। रिव्यू पिटिशन की यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है मैं आता हूँ आपको, इसको सिर्फ जो है परिणाम को लेकर जो है वो बहस हो सकती है, लेकिन जहाँ तक संवैधानिक कानूनी मामला है हम भी समझ रहे हैं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम तो आपका पक्ष जानना चाहते हैं, लेकिन आप क्या इस पक्ष में हैं कि जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जो है वो मामला जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, नवल किशोर दास जी, मस्जिद बने ने जगह ले दोनों जो है हमारे हिसाब से जो है वो सही नहीं है, ठीक है, ये ये आपके ऊपर निर्भर करता है, सुनील बग बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, वो आप ये ठीक बात है, अंतिम जो है निर्णय जो है ठीक है, पहले तो बात ठीक है। नवल किशोर दास जी फैसला होगा, नवल किशोर दास जी स्टूडियो में बैठे, अब्दुल हमीद नुमानी साहब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आप फैसला आ गया, आप खत्म कर देना चाहिए, खत्म करिए। इकबाल अंसारी जो कि पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने इससे अपने आप को अलग कर लिया। सुन्नी बग बोर्ड जिसको माननीय अदालत ने कहा कि दो ही पक्ष हैं, रामलला विराजमान और सुन्नी बग बोर्ड, सुन्नी बग बोर्ड ने भी अपने आप को अलग कर लिया, भाई कौन से लोग हैं, क्यों जाना चाहते हैं? देखिए ज्यादातर देश के सभी लोगों ने
कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। ये देश का हिंदू और मुसलमान हर नागरिक प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ रहना चाहता है और मुस्लिम समाज की मैं बहुत बुरी प्रशंसा करूंगा। ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि हमारा झगड़ा था, कोर्ट ने निर्णय कर लिया, हमें स्वीकार है। इसलिए सभी लोगों ने बड़े मुक्त हाथ से प्रसन्नचित होकर के निर्णय को स्वीकार किया है। अब कुछ लोग, मैंने कहा नहीं, ये तो जो निर्णय है राजनीतिक निर्णय है, ये देश देख रहा है, ये केवल ओबीसी के कहने से उनको अपनी पार्टी चलाना है राजनीति, ऐसे कुछ लोगों के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं वो लोग इस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं कि शायद कुछ लटक जाए, देश कुछ भटक जाए। पर मुझे नहीं लगता है, मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों की मैं प्रशंसा करता हूँ और उन सबने एकमुक्त होकर के सबने कहा कि जो निर्णय होना था हो गया, हमें आगे कोई विवाद नहीं करना है, देश विकास की ओर चले, एकता की ओर चले। और इस निर्णय से, सर्वमान्य निर्णय से सबने माना, उस निर्णय से देश में नहीं जी विदेशों में ये देश की एकता अखंडता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसलिए कुछ लोग हैं तो कुछ करेंगे, भाई इनको लगता है वह हमारी दुकान कैसे चलेगी। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुसलमानों को बांट देना चाहते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से भव्य मंदिर का निर्माण वहां होगा और सबके सहयोग से होगा। एडवोकेट मोहम्मद फरहत रईस, आज आपसे पार्टी का सवाल नहीं करता हूं, पहला सवाल आपसे वकालत का कर लेता हूं क्योंकि आपके नाम के आगे एडवोकेट भी लिखा हुआ है। क्या होगा अगर ये जाएंगे रिव्यू पिटीशन लेकर के? तो देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, उनके पास अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तो वो जा भी सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सारी जिम्मेदारी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अब मैं एज ए मुस्लिम स्कॉलर भी बोलना चाहता हूँ, सारी जिम्मेदारी क्या मुसलमानों की है इस देश को कानून मानने की? कि भाई मुसलमान बहुत खुश है, चारों तरफ से खुशी आ रही है, सबरीमाला पे आप 7th-7th bench पे जाने के लिए तैयार हो गए? जाएंगे नहीं जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का कानून मानेंगे नहीं मानेंगे बताइए? मैं पूछता हूं भाजपा से भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछता हूं, विश्व हिंदू परिषद वालों से भी पूछ रहा हूं, और तीनों लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5th bench का आर्डर पास किया है सबरीमाला पे, क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या जाएंगे आप नहीं जाएंगे 7th bench में? सिर्फ इतना बता दें, तो 7th bench को ट्रांसफर हो गया उसमें। मैं ये नहीं कहता कि जाएं, बिल्कुल फिर सबको राइट है, अगर वो जाना चाह रहे हैं ठीक है जाए, वो मुस्लिम पक्षकार है, हम उसमें पक्षकार नहीं है। 7th bench को ट्रांसफर कर दिया, उसमें जाना नहीं जाना क्या है? नहीं नहीं, उसमें पिटीशन पड़ी थी ना, उसको करने के लिए कहा गया था ना, नहीं माना गया ना, तभी तो करा है। ठीक बात है, ठीक बात, रिव्यू पिटीशन थी जी, माननीय अदालत ने उसको 7 judges के पास भेजा। ठीक है जी, तो उसको मान लेते 5 judges ने, तो मान लीजिए अगर वो जा रहे हैं ठीक है, वो पार्टी है, वो जाएं या ना जाएं सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हमें आपस में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उनके पास रेमेडी है और लीगल राइट्स है, वो जा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं, इस देश का माहौल अच्छा रखने के लिए बिल्कुल ना जाएं, छोड़ दें सब कुछ, सारी जिम्मेदारी ले लें कि साहब नहीं, हम इस देश में अमन चैन सुकून चाहते हैं, तो ना जाएं। नहीं तो क्या जिन लोगों ने, लेकिन इस देश का ये बोलिए बोलिए जी जी भरत राय साहब बोलिए। नहीं मैं ये, लेकिन एक चीज इस देश ने मानी और समझी कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा संविधान को कोई मानता है तो वो मुसलमान है। आप बता दीजिए, 3 talaq पे फैसला आया, कोई रोड पे नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बाबरी मस्जिद में के फैसले में, कोई रोड पे नहीं आया। तो मानते हैं ना ये बात, मानना पड़ेगी इस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं मानना क्या पड़ेगा? कौन लोग उनको, मतलब संविधान नहीं मानेंगे क्या? मानना, हमने माना क्या, कोई एहसान किया क्या? बिल्कुल मानेंगे, आप बताइए। तो फिर मुझे तो फिर भाई 5th bench का जो आर्डर हुआ, 5th bench का आर्डर तो आप क्यों नहीं मान रहे? सबरीमाला पे 5th bench का आर्डर हुआ, उसमें क्यों नहीं मान रहे? बच जाइए, हमने तो ये कहा नहीं सर, हमने कहां कहा कि आपका अधिकार नहीं, आपने जाए, हम तो ये कह रहे हैं आपका अधिकार है, नहीं उस पर आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं, उस पर कोई बहुत जरूरी नहीं है। सुना नहीं शायद आपने, शुरुआत से सुना नहीं शायद, हमने तो अब्दुल हमीद नुमानी साहब को भी कहा, इन्होंने भी कई बार कहा कि राइट है, हमने कहा राइट है बिल्कुल है, और अगर वो जाना चाहते हैं जाए, उसमें क्या बुराई है, संविधान अधिकार देता है। और संविधान ने जो अधिकार दिया था, इसीलिए लड़ाई अब तक लड़ी जा रही थी इतने सालों से। मोहम्मद फरहत रईस साहब, आप क्यों गलतफहमी पैदा कर रहे हैं लोगों में? आप एक तरफ कहते हैं
मैं हम कोई गलत फहमी नहीं पे, हम तो स्वागत करते हैं ना जाएं, हम तो कह रहे हैं ना जाएं, जरूरत नहीं है, इस देश में अमन चैन बरकरार रखें, कोई जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में एक मैसेज दें कि हिंदू और मुसलमान हम सब एक हैं, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया हम उसको मानने, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, बोलिए। देखिए आपको बता दें कि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत से लिया गया सर्वोच्च फैसला है और इसमें हिंदू जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ बता दे, वो लोग अलग अलग चैनलों पे बैठ के यही कहते थे। अशोक पांडे जी, लगता है आपने सुना नहीं है, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ सुन लीजिए ना, मैं उनका एडवोकेट हूँ, मैं अपनी पार्टी का एडवोकेट हूँ। आपको बता दे कि जो वादी है वादी ने भी कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानते हैं, अब इस फैसले से काबा और काशी खुश है लेकिन ओवैसी दुखी है क्योंकि उसकी दुकान बंद होने जा रही है। इस तरह के सत्ता लोलुप लोगों की दुकान बंद हो गई क्योंकि तुलसी कबीर नहीं, अशोक बात कर रहे हैं, इस देश में पांच जैसी बात कर रहे हैं आप, सारे टेक्निकल बात किया करिए, ये सब बात कहके आप जनता को गुमराह ना किया करिए। आधे हिंदू थे आधे मुसलमान थे जो मजदूर, अरे ये सब हो गई बात, छोड़िए मेरिट की बात, अशोक भाई आपको मेरिट की बात करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया है, आजकल मुझे लगता है सबके पास वो ऑर्डर अवेलेबल है, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। नहीं अशोक पांडे साहब हाशिए पे चले गए, अशोक पांडे साहब और इनकी बात बेमानी है, अशोक पांडे साहब कौन चला गया है आप बताइए तो, कौन चला आया है, तुलसी भी मांग रहे हैं कबीर भी मांग रहे हैं और मंदिर बन के रहेगा, प्रत्येक नागरिक की जो नहीं, अशोक पांडे साहब एक सवाल का तो जवाब दे दीजिए भाई, वो जा रहे हैं अगर रिव्यू पिटीशन के लिए, उनका अधिकार है तो इतनी तकलीफ क्यों है आपको, अशोक पांडे साहब उनके पास अधिकार है, संविधान उनको राइट देता है, उनको जाने दीजिए ना, क्या क्यों तकलीफ है आपको, जो चैनलों पर कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का कानून मानेंगे, चाहते हैं ठीक, यह तथ्यों पे आधारित फैसला है, एक कोई ये फैसला इस तथ्यों पे आधारित है, पुरातत्वविदों के पे आधारित है, पुराने इतिहासकारों ने इसको खुदाई करके इसे जो जो तथ्य दिया है उस आधार पे फैसला लिया गया है, ऐसे हिंदू मुसलमान तुलसी कबीर रैदास सभी मान रहे हैं, ठीक है। राजेंद्र दास जी, महंत राजेंद्र दास जी, जिनकी अब मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूं, वजह क्या है जब एक तरफ लोग मान ले रहे हैं दूसरे तरफ कह रहे हैं हम जाएंगे, आपको क्या वजह लगती है? देखिए ऐसा है कि जो भारत देश में रह रहा है उसको भारत देश की मान मर्यादा और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रख के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो जो है ये देश में जो विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हैं जैसे नवल दास जी महाराज ने कहा, तो जरूर वो जो है भारत देश के साथ और प्रजा के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया वो सही है और उसको अगर कोई चैलेंज करता है तो जरूर वो समाज में विद्रोह करने वाला हो, काम कर रहा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या सरकार का हो या जनमत का हो। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि देखिए उनका ये अधिकार है, वो रिव्यू पिटीशन के लिए माननीय अदालत जा सकते हैं और वो वही बात कह रहे हैं, बात आप व्यवहारिक बात कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा आप विद्रोह पैदा कर रहे हैं, ये सब नहीं देख कि कोर्ट का फैसला, ये जो लोग आज बात कर रहे हैं पटीशन दायर करने को, यही लोग बोल रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, आज ये जो है थूक के चाट रहे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये देश के और राष्ट्र के और समाज के हित में होगा, ये जरूर देश में जो है दंगा या जो है व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम फिर से पटीशन दायर करेंगे वो जरूर समाज में विद्रोह फैलाना चाहते हैं, वर्तमान में जो नेतृत्व और जो व्यक्तित्व सरकार के तरफ से है, कोर्ट के तरफ से है, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से है, उसको देश की जनता ने स्वीकारा है और आगे भी स्वीकारेगा और जो उसको चैलेंज करेगा जरूर देश के साथ समाज के साथ गद्दारी कर रहा है। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, मुझे बात बताइए, होना चाहिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और मनोहर राणा साहब ने भी जो बात कही वो कहीं आपको लगता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि वाकई उनकी दुकान बंद हो जाएगी, अखबारों में फोटो छपना बंद हो जाएगा, लिहाजा ठीक है ये सब करते रहो लटकाते रहो कुछ दिन तो चलता रहेगा। देखिए इसमें जो है ना वो कई चीजें हैं, मनोहर राणा साहब जो है वो शायर हैं, वो कोई समीक्षाकार नहीं है,
वो अपने हिसाब से वो बोल रहे मुसलमान है सर। हाँ वो है, वो नागरिक है सर। इसमें देखिए कई चीज है, एक जो है खुद में जो है वो मुतमईन होना है, और जो है जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनको मुतमईन करना है, और उन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास है। जब ये मान लिया गया है कि वहाँ मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई है, और जो 49 में जो मूर्ति रखी गई थी वो गलत तरीके पर रखी गई थी, और जो जिन्होंने 92 में जो है मस्जिद को तोड़ा वो भी आपराधिक कार्य है, तो ये सब के होते हुए जो है ये जब मान लिया गया है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, फिर भी जो है वो जगह दूसरे को कैसे दी गई है? ये तो बात जो है वो फैसले के बाद आई है ना, कि जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, उस दौरान में ये बात नहीं आई थी। तो वो लोग जो है अपने सामने वाले को खुद को जो है वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो है वो आपके जो है आपकी जो भावना है उसके साथ हैं, ये बोर्ड वाले ये दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं एक जो है संवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है, और दूसरा मामला जो है व्यवहारिक है। व्यवहारिक जो है वो यही है कि आप जब वो जगह आपको नहीं मिल रही है जहां मस्जिद थी, तो मैं कहता हूं मस्जिद बनाना जगह लेना दोनों जो है बहुत ज्यादा जो है वो माने नहीं रखता है, उसका कोई अर्थ नहीं। जो एसआई की रिपोर्ट है जिसके मुखिया के मोहम्मद साहब थे जिनकी नेतृत्व में खुदाई की गई थी, उनकी जो रिपोर्ट है उसको आप यहां बैठ के नकार दे रहे हैं, उसको माननीय अदालत ने मान लिया था। नहीं नहीं उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। उन्होंने कहा कि वहां जो है उसके नीचे जो अवशेष मिले हैं वो अन इस्लामिक है, तो वो ये बात जो है उसमें कही गई वो 12वीं सदी में जो है की चीजें हैं वो, और ये जो है वो 16वीं सदी में बनी है 1528 में, तो वो दोनों में बड़ा फर्क है, इसलिए कोर्ट ने उसको माना नहीं है। लेकिन जब जो है कोर्ट ने और सर्वसम्मति से जो है पांचों जजों ने जब फैसला दिया है, तो उसमें कोई जो है वो बात है वो आप जो है वो संवैधानिक जो है अधिकार को जो है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना प्रेडिक्शन दिया है कि जो मस्जिद बनी है वो खाली जगह बनी है, मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई है। इसको आप सुप्रीम कोर्ट के मिलना होगी अगर आप ये बात करेंगे। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, आप पढ़ लीजिएगा, वो खाली जगह नहीं लिखा, फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा, और अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो करें सुन लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि वहाँ जो है कुछ अवशेष मिले हैं इस्लामिक है, हाँ, और जो है वो पहले का है वो, और ये है कि वो ये रिपोर्ट के मोहम्मद साहब की थी, और जिस दिन ये फैसला है उन्होंने कहा कि आज कम से कम हमने जो काम किया था उस पर मुहर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने शुरुआत में एक सवाल पूछा था, और सवाल ये था कि क्या रिव्यू पिटीशन से फैसले पर असर पड़ेगा, इसका जवाब आपकी तरफ से क्या आया है ये भी आपके सामने रखते हैं। 31% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 69% लोग कहते हैं नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।